जिसकी दो बच्चे तो दो लोग जाएगा उसपे। बुढ़िया जी जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी दो पत्नियां उसको डबल। चुनाव प्रचार में जनता को लुभाने के लिए रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने विवादित बयान दे डाला। भूरिया ने एक सभा में मंच से कहा जिस व्यक्ति की दो पत्नियां हैं उसे 2 लाख देंगे। भूरिया ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सभी महिलाओं के खाते में 1 लाख देने की बात की है और जिस व्यक्ति की 2 पत्नी है उन्हें 2 लाख मिलेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के ऐलान का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी समर्थन कर डाला। सुनिए भूरिया और पटवारी का बयान। हमारा जो घोषणा पत्र है हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का ये मालूम है कि नहीं। अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा उसपे। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। वहीं कांग्रेस के 2 पत्नी वाले बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है। बीजेपी मीडिया विभाग प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आपका हक छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा तो वह इस बात को ऐसे ही नहीं कहते। कांग्रेस नेता उनकी इस बात पर मोहर लगाते हैं। तुष्टीकरण का ताबीज पहनने वाली कांग्रेस का ख्वाब पूरा नहीं होगा। दरअसल रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन भूरिया ने यह ऐलान तब किया जब मंच पर दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और सैलाना से पूर्व विधायक मौजूद थे। लेकिन भूरिया के बयान को बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव हथियार बना लिया है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।